राम राम सर। ने मैं उतार गला कुसुम गोयत और इस टाइम मैं जंगा बताऊं तो मैं अटेली में खड़ी हूं और यह खबर जो है तारा खातर बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। इसने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो और पूरी खबर ना देखियो ताकि भाई किसी न किसी का भला हो सका है। इफ मैं खबर पाऊँ तो भाई अपना खान पीन देखो बदल गया है। जो पहला खान पीन होया करता, जो पहला अपने दादे दूदे खाया पिया करते बढ़िया तरीका था, वो खान पीन आज के टाइम में बिल्कुल भी नहीं रह रहा है। जे आप एक बुजुर्ग आदमी ने जो पहला कहा उसने खड़ा कर दिया और आज के नौजवान जो रन खड़ा कर दिया ना, तो उनका जो अंगा है वो बराबर का ही ला लियो, क्योंकि भाई पहले के जो खाया पिया करते वो ही नहीं रह रहा है। छोटा बच्चा तो लेकर बुढ़ा तक की बीमारी इतनी फैल गई है और बीमारियों के नाम के बताऊँ मैं, बीमारियों के नाम तो जमा लेंदी ओढ़ भी नू है कि भाई इस बीमारी का नाम भी लेना ही बुरा है। तो मतलब हमने बताऊं तो भाई मैं अटेली में जिस जगह पर खड़ी हूँ, एक बार तो साइड में बोर्ड लग रहा है, फिल्म तो हमने देखी होगी ट्रिपल आर मूवी, लेकिन वो ट्रिपल आर नहीं है, डबल आर है। डबल आर 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 हॉस्पिटल है, लेबोरेटरी जो ये 24/7 और डिजिटल एक्सरे जो है ECG और मोबाइल नंबर नीचे लिख रखा है। लेकिन ये भी मेरे पीछे देखो बोर्ड पर तो हम देख सको हो, याड़ा हॉस्पिटल है और डबल आर हॉस्पिटल यानी कि जो अंदर हॉस्पिटल में जो सर हैं जिनका यू हॉस्पिटल है, वे उनका फ़ोन आया था, वे बोल रहे थे कि भाई जो आज की जनरेशन है जनता है वो जो अंग्रेजी चीज़ा की तरफ बढ़ रही है ना, यानी कि ये दवाई देवे हैं देसी दवाई देवे है और जो कैंसर की बीमारी है नाम भी लेना उसका तो नू हुआ है कि भाई कैंसर किसी ने किसी का भी नहीं हो, लेकिन आज का टाइम ऐसा हो रहा है कि भाई कैंसर की बीमारी हर तीसरे चौथे घर में देखने में मिला है तमने, और वो बहुत बड़ी बीमारी होती आ रही है। ये जो सर हैं अंदर जिन तक मैं बातचीत करवाऊँगी, ये कैंसर की बीमारी का जो है आयुर्वेदिक जो इलाज करे है और भी बहुत सारी बीमारियां जो यारे इन्होंने लिखी हुई है, जुकर भाई लकवा ला लो मुँह मछाड़े बहुत सारी है, लेकिन इस टाइम मैं तुमने कैंसर की बीमारी के बारे में बताऊंगी, वो भी देसी इलाज यानी कि आयुर्वेदिक इलाज। एक भाई बैठा है एक बाबा, ये हॉस्पिटल है अंदर तक भाई। राम राम। राम राम जी। क्या नाम आपका? प्रताप यादव नाम है। के? प्रताप यादव नाम है। प्रताप यादव, कितना आए हो आप जी? मैं कानपुर से आया हूँ। कानपुर था जी? कानपुर था टेली। क्या कुछ दवाई दवाई लेने खतरा आए थे जी? हाँ, कैंसर का। किस चीज की? कैंसर की जी। किसको हो रहा है? मेरे को। आपको जी? कितने टाइम था ये? एक साल से चल रहा है। एक साल था? इससे पहले भी कितनी दवाई ली थी? यहाँ एक महीना से आप पहले आए थे दवा लेने। ये एक महीना तैयार दवाई ले रहा है? हाँ। इससे पहले कहाँ ली थी? इसके पहले कानपुर में ली, लखनऊ लखनऊ एलोपैथ में, उससे कोई आराम नहीं मिल रहा है। और विदेशी ली थी? अंग्रेजी ली थी? एलोपैथ अंग्रेजी। अच्छा अच्छा, एलोपैथी। उससे कितना आराम हो यार, जो है एक महीना तैयार ले रहे हो, इससे कितना आराम हो रहा है? 35-40% आराम हुआ है। इस एक यार तक कितना आराम हो रहा है? यहाँ से एक महीना दवा ली उससे 35-40% आराम हुआ है। 35-40% आराम हो रहा है। देसी दवाई दे रहे हैं जी? देसी। ऐसा तो नहीं है कि भाई घनखरे नु सोचा करे कि भाई दवाई दे दो बस भिन्न में मारा तो बीमारी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि देसी दवाई जो है धीरे धीरे असर करा करे है ना? हाँ मैम, इसमें ये है कि जड़ से खत्म हो जाएगा। जड़ से जी? मतलब ठीक आश्वासन है आप? हाँ। यारे तो दवाई लेके ठीक हो जाओगे? ठीक हो जाएंगे मैम। चलो भाई, ये दवाई लेना रहे थे और ले लिया आपने? अकेले हो गई? जी हाँ, ले लिए दवाई। अच्छा अच्छा, ले लिया। और हॉस्पिटल में दिखाऊं, ये हॉस्पिटल है जो सर का मैं दिखा रही थी, जो बता रही थी बाहर, तो यारे सर हैं, सर का यू ऑफिस है और मैं इसका बारे में बताऊँ तो डॉक्टर आर कुमार सर हैं और इन्होंने अपना इस पर पूरा लिखवाया हुआ है कि BA MC और MD पंचगव्य है और OPD का टाइम जो इन्होंने लिखा हुआ है। तो सर तक बातचीत कराएंगे क्योंकि भाई खान पीन जो है बदल रहा है और सर जो जिस तरीके से इलाज कर रहे हैं आयुर्वेदिक चीज़ा गेल है, तो भाई वो पूछेंगे क्यों करके सिस्टम सर का। तो सर जी राम राम। जी राम राम। ठीक हो सर? हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा सर, ये बताओ कि भाई आपने जो काम यहाँ जो आयुर्वेदिक दवाई देने का कर रहा है, कब तक स्टार्ट किया आपने, ये हॉस्पिटल कब बनाया, आपका नाम क्या सर? 2018 से चल रहा है, मेरा नाम रमेश कुमार है। रमेश कुमार? हाँ। 2018 से? आप अकेले ही हो यहाँ पर? मैं अकेला हूँ। अच्छा, आप एक डॉक्टर? एक डॉक्टर और हैं। एक डॉक्टर और? हाँ। अच्छा, दवाइयाँ कहाँ से क्या करते हो, मतलब किस तरीके से बनाते हो, किस किस चीज की दवाइयाँ देते हो? दवाइयाँ मोस्टली कैंसर की, पाइल्स की, इनफर्टिलिटी, लकवा, सुन्नापन, माइग्रेन, लगभग जुकाम से लेके सिर के बाल तक, पैर से लेके सिर के बाल तक हर चीज की दवाई आयुर्वेद में दी जाती है यहाँ से। आयुर्वेदिक ही दे? आयुर्वेदिक यानी? अच्छा, और ये तैयार कित करो, मतलब ये मैं खुद तैयार करता हूँ, अपने देख रेख में, अपने निगरानी में सारी दवाइयाँ तैयार होती हैं। अच्छा जी। हाँ।
सर घर खुद तैयार करा है। इब मैन जो टॉपिक मेरा है वो है कैंसर, क्योंकि कैंसर जो है हर तीसरे घर में तो हमने देखने में मिला है, तो उसके बारे में डिटेल से बातचीत करांगे कि कैंसर के लक्षण जो है क्यों बेरा लग गया है, उसका ट्रीटमेंट क्यों करे हैं, दुआई कितने दिन की देवे हैं, सारी शर्तें पूछांगे। सर सबसे पहले मैं शुरुआत तक पूछूंगी आप तक कि भाई जो कैंसर हो गया है ना गन खराना जब तीसरी चौथी स्टेज में आ जाए जब बेरा लग गया है कि भाई हमारा कैंसर हो गया था नू है तो भाई फिर वे घबरा जावे है तो लक्षण के है सब तक पहले तो नू बता दो कैंसर के सेल्स हर आदमी के जीन्स में होते हैं। वो जब कोई सेल्स ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है उसे कैंसर का नाम दे दिया जाता है, ठीक है जी। जो भी सेल्स ज़्यादा ग्रोथ कर गया उसे कैंसर का नाम दे दिया जाता है। और शुरू में या तो पता नहीं लगता, आम पेशेंट को तो नहीं पता लगता, लेकिन जो अमीर हैं पैसे वाले पेशेंट हैं वो उनको जो पता लग जाता है, लेकिन वो एलोपैथिक में फंस जाते हैं। हाँ। उनके पास पैसा होता है, वन ऑप्शन आप पैसा खर्च करते हैं, डॉक्टर उनको जो है कीमो रेडियोथेरेपी वगैरह दे के उसके बाद में कहते हैं कि ले जाओ इसकी सेवा करो। हाँ। तो मोस्टली हमारे पास थर्ड स्टेज के पेशेंट जो थर्ड और फोर्थ स्टेज के हाँ, और उनको अच्छा रिजल्ट मिलता है। जब निराश हो जाते हैं ना वो हर जगह से, तब वो यहाँ आते हैं। अगर शुरू से आ जाए ना पहले और दूसरी स्टेज पे अगर पेशेंट आ जाए हाँ। तो आराम से उसका इलाज भी संभव है। फर्स्ट स्टेज पे तो ऐसा है कि वो अपने रसोई के माध्यम से, मेरा दावा है कि रसोई के माध्यम से ठीक कर सकता है अपने मर्ज को। अच्छा। अस्पताल में आने की जरूरत नहीं है। आप जब ट्रीटमेंट करो हो, मान लो कि थर्ड स्टेज का पेशेंट आपका दौरा आ गया, इब उसका ट्रीटमेंट करना है तो ट्रीटमेंट किस तरीके से क्यों कर शुरू करो आप? हम उसकी एक से डेढ़ घंटे सबसे पहले काउंसलिंग करते हैं। अच्छा। काउंसलिंग के माध्यम से पेशेंट को समझाया जाता है कि भाई आपको क्यों तो हुआ है ये, और इसके लक्षण क्या है, और ये जाएगा कैसे, ख़त्म कैसे होगा। हम उसे हर चीज़ समझाते हैं, खान पान में बदलाव किया जाता है उसकी, रसोई घर में चेंजिंग की जाती है, भोजनचर्या बदली जाती है उसकी, और कुछ दवाइयाँ। अगर पेशेंट ये समझे कि मैंने दवाइयाँ ले ली, मैं लेता रहूँगा ठीक हो जाऊँगा, नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। दवाइयों के साथ साथ परहेज, भोजनचर्या में, दिनचर्या में बदलाव, ये बहुत ज़रूरी है, पेशेंट तभी ठीक होगा। और मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जो है जितने पेशेंट आते हैं मोस्टली ये कहते हैं कि 25-30% रिलीफ है एक महीने की दवा लेने के बाद, और मुझे भी अपने दवाओं पर भरोसा है क्योंकि मैं खुद दवाइयाँ अपने निगरानी में तैयार करता हूँ। हम बाहर से कोई चीज़ नहीं खरीदते, औषधियाँ भी हम लगभग खुद कलेक्ट करते हैं, गौमूत्र भी हम खुद कलेक्ट करते हैं, पंचगव्य तरीके से इलाज तो रखते भी हैं, कोई जहाँ से दूसरे किसी घर से लेनी होती है तो हम अपने निगरानी में लेते हैं उस गौमूत्र को, उसके लेने के भी नियम हैं। कुछ पेशेंट आते हैं कहते हैं कि भाई मैं तो लगातार गौमूत्र का सेवन कर रहा हूँ। हाँ। ऐसा नहीं है, गौमूत्र का सेवन करने से जो है कि कैंसर ख़त्म हो जाएगा, ऐसा सिस्टम नहीं है, इसके बड़े नियम हैं, उनका पालन करना पड़ता है। अच्छा जी, तो आप दवाई दे दो तो लगभग कितने टाइम तक आपका कोर्स चल रहा है जो आप कैंसर का? मिनिमम 3 महीने से 6 महीने का कोर्स है कैंसर, 3 से 6 महीने का। 3 महीने तो लगातार दवा लेनी ही लेनी पड़ेगी, 3 महीने के बाद में पेशेंट की विल पावर कितनी है उस पर डिपेंड करता है कि उसे कितने टाइम और दवा की आवश्यकता है, क्योंकि नाम इतना बुरा है, कैंसर मौत का पर्याय नहीं है, कैंसर मौत का पर्याय नहीं है, लेकिन दवाइयाँ जो है ना एलोपैथिक की दवाइयाँ वो मार देती हैं कैंसर पेशेंट को। कैंसर का नाम ही ऐसा है कि इसका नाम सुनते ही 50% तो बंदा वैसे ही मर जाता है। अच्छा सर, आयुर्वेदिक दुआ देखो, आयुर्वेदिक चीज़ें तो बढ़िया बतावे हैं, सारी जगह बढ़िया बतावे हैं, लेकिन घनखरेना ने सोचा है कि भाई जब आप अंग्रेजी दवाई ले वहाँ ना तो उनते तो आराम जल्दी हो जावे है, अपनी जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं ना इनते इतना जल्दी आराम नहीं होता। किसी मरीज का मान लो 1-1.5 महीने में जी भी उतर जाता हो कि भाई इतना आराम तो कोई होया, इतना तो अंग्रेजी तय हो गया था, उस बारे में क्या कहना चाहोगे? देसी दवाइयाँ जो है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है ये मर्ज के बीमारी की जड़ को पे अटैक करता है, जड़ से ख़त्म करता है बीमारी को। एलोपैथी की तरह नहीं है कि भाई इंजेक्शन लगाया दर्द बार, लेकिन कुछ टाइम के लिए फिर आ जाता है वो, जैसे कैंसर की ही बीमारी है। उनके पास एलोपैथिक में क्या सिस्टम है, कीमोथेरेपी करेंगे, रेडियोथेरेपी करेंगे, कुछ टाइम के लिए कैंसर के सेल मर जाते हैं उस टाइम के लिए, लेकिन वो फिर जीवित हो जाते हैं, कुछ टाइम के बाद में फिर पनपना शुरू हो जाते हैं।
जबकि हमारी बॉडी को जो मेंटेन रख रहे हैं वो सेल भी उसके साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं कीमो लगाने के बाद, वो दोबारा नहीं पनपते। तो आयुर्वेद जो है जड़ से बीमारी को ख़त्म करती है, चाहे कोई भी बीमारी है, छोटी है बड़ी है। लगभग कितने मरीज ठीक हो जाली आपको? सैकड़ों मरीज ठीक हो चुके हैं। फिर भी सर अंदाजा 2018 तक आपने शुरुआत? हाँ, 2018 से कर रखे, हर महीने मेरे पास 50 से 60 पेशेंट बाहर से, लगभग बाहर से आते हैं, लोकल की बात नहीं कर रहा मैं, बाहर से आते हैं, दूर दराज से, नेपाल से। हमने एक बार मिला था कानपुर तक भी एक छोरा। हाँ, कोई गुजरात से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोलकाता से है, बिहार से है, हमूमन 50-60 पेशेंट तो बाहर के होते हैं। हाँ, जो तीन चार बार दवा ले जा चुके हैं, वो कहते हैं कि हमें रिलीफ है। ये भी इतनी दूर तक सर, इतनी दूर दूर तक पेशेंट आवे है, गन करे मान लो विदेशों में भी दे हो के दवाई? विदेशों में तो अभी तो नहीं दिया है, लेकिन फोन जरूर आते रहते हैं। फोन और उनका? हाँ, कोई मान ले बहुत ज्यादा दूर हो और वो आप दवाई मंगवाना चाहे, ऑनलाइन मंगवाना चाहो, ऑनलाइन का कुछ सिस्टम है? हाँ, सिस्टम है, बाई कोरियर हम भेज देते हैं, लेकिन पहले उसकी रिपोर्ट जो है, जब दोनों कहाँ से उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, कहाँ से उन्होंने जांच करवाई है, वो सारी रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद कोरियर के माध्यम से हम उनको दवा भेजते हैं। हाँ जी, एक बार आपका एड्रेस बताओगे? मेरा एड्रेस है RR हॉस्पिटल, रिवाड़ी नारनौल, मेन रोड, गवर्नमेंट कॉलेज के सामने, अटेली मंडी। अच्छा सर, मरीज नो है कि ये आपकी देसी दवाइयाँ हैं, किस किस चीज़ की दवाइयाँ? जो कर एक तो कैंसर की बताई आपने, कैंसर का अलावा कौन सी उसकी दवाइयाँ? पाइल्स है, इनफर्टिलिटी है, लकवा है, सुन्नापन है, ये हर तरह की दवाइयाँ हैं। सैकड़ों प्रकार की दवाइयाँ जो है, औषधियाँ जो हम खुद कलेक्ट करते हैं, उनको गौमूत्र में पंचगव्य विधि से तैयार होती हैं, गो माता के 5 प्रोडक्ट। फर्क हो रहा है उसका बारे में क्या कहोगे? क्योंकि आज के सिस्टम में ना खाना पीना ऐसा हो रहा है कि भाई जिस तरह कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हर घर में, हर तीसरे घर में घर कर रही है। खान पान और रहन सहन से ही कैंसर जो है ना वो पनप रहा है। पहले क्या कहते थे कि तंबाकू खाने से हो रहा है, तंबाकू एक कारण है कैंसर का, मानता हूँ मैं, तंबाकू खाने से हो रहा है, हुक्का पीने से हो रहा है, ये कारण तो है, लेकिन इतना जो भयंकर रूप से जैसे इसने पैर फैला रखे हैं ना, वो इसका तंबाकू एक मेन कारण नहीं है। लेडीज़ तो तंबाकू नहीं खाती, नहीं हुक्का पीती, बीड़ी नहीं पीती, उनको बहुत उनको भी है। तो ये हमारे खान पान में जो बदलाव हुआ है ना, हर चीज़ जो है उसमें मिलावट है, हर चीज़ अपनी, मतलब क्या बताऊँ मैं, हम अपनी खो चुके हैं पहचान। जो कोई फसल है ना वो अपनी असली पहचान खो चुकी है, हर कुछ सब कुछ हाइब्रिड है, सब चीज़ में मिलावट है। बिल्कुल भाई, देखो हाँ जी सर, कुछ कह रहे थे आप? बस यही है कि हर चीज़ में मिलावट है। अब जैसे गेहूं ही बोते हैं, बोने से लेकर उसको स्टोर करने तक, बल्कि उसको पेट तक जाता है खाने तक, वो दवाइयों के सहारे ही रखा जाता है, उसको सुरक्षित रखते हैं। शुरू से जहर, पहले फसल बोएंगे तो उसमें खाद डालेंगे, स्प्रे करेंगे, जब उसको स्टोर करेंगे 4 महीने के बाद तैयार हो जाएगा, स्टोर करेंगे तो टंकी में डालेंगे तो उसमें जहर रखेंगे, तभी तो सुरक्षित रहेगा ना वो। बिल्कुल भाई, और देखो ये दवाइयाँ है जो तुम इस साइड भी दवाइयाँ देख रहे हो, ये कुछ दवाइयाँ के ऊपर नाम भी लिखे हुए हैं, सप्तरंगी, और इस साइड भी है, ये नाम हर चीज के लिखे हुए हैं। ये चूर्ण है, पीतशमन चूर्ण है, ये भी बहुत सारी जो औरता की दवाइयाँ है, लुगाइया की है, आदमिया की है, सारे तरीके की जो दवाई है, देसी दवाई, इन्होंने है कि भाई अंग्रेजी दवाई देसी दवाई है। और इस तरह दिमाग में यह एक सवाल हो रहा होगा, घनखरे कहते होंगे दवाई तो दिखा दी, इलाज भी दिखा दिया, काम भी दिखा दिया, लेकिन जो गरीब आदमी है वो दवाई क्यों कर ले, खर्चा कितना? इस सरते ही पूछ लेते हैं कि भाई, क्योंकि देखो गरीब आदमी का भी कैंसर हो है, कैंसर के सारी बीमारी हो है, तो भाई गरीब आदमी भी इनके अड़े आ सके है, खर्चा ठीक है, या फिर सिर्फ अमीर आदमी आ सके, वो सरते मैं पूछ लेती हूँ। सर पहले तो बता दो, एक बनू और बता दो कि भाई खर्चा आपकी दवाइयों का, अगर मान ले कोई तीसरी स्टेज में आवे है, नाम मात्र का खर्चा है 8 से 9 हज़ार रुपये एक महीने की दवा का खर्चा है। अच्छा, ठीक है, ये राजीव दीक्षित जी का सपना है, जिसे पूरा करने के लिए शायद मेरा ये पहला कदम है, मैं कर रहा हूँ, और मैं उनको इतना महत्व देता हूँ कि लोग कहते हैं कि राम ने अवतार लिया सतयुग में, कृष्ण ने लिया द्वापर में, त्रेता में राम ने लिया, तो हमने तो नहीं देखा ना राम ने कब अवतार लिया, कौन था, कैसा था। राजीव दीक्षित जी को देखा है, मैं तो यीशु का अवतार मानता हूँ, उनका सपना था 2020 तक जो है ना
कैंसर को ख़त्म कर देंगे, 80% कैंसर को ख़त्म कर देंगे। लेकिन मतलब आम जो आदमी है, आम आदमी अपना इलाज करवा सकता है। हम यहाँ, मैं जो है उसी माध्यम से उसी सपने को पूरा करने में लगा हुआ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि घर घर में आयुर्वेद का प्रचार हो। गरीब आदमी एलोपैथिक में अपना इलाज नहीं करवा सकता, उसके पास इतनी सुविधा नहीं होती, और वो इलाज के भरोसे मर जाता है, ठीक है। और परिवार, पीछे बचने वाला परिवार भी इस बीमारी से जो ग्रस्त हो जाता है ना, वो ख़त्म हो जाता है, आर्थिक रूप से टूट जाता है, कर्जवान हो जाता है, इलाज करवाना ज़रूरी होता है, और एलोपैथिक में इलाज नहीं है। बिल्कुल, देखो भाई बढ़िया बात कही है सर ने कि गरीब आदमी जो है दवाई ले लेकर बिल्कुल नू हो जाए कि भाई खर्चा तो जान का जा है, लेकिन उसका इलाज नहीं होता। डॉक्टर आर कुमार सर थे ये मेरे गल है, ये इनका हॉस्पिटल है आगे तक का, तो हम देखा भी होगा, मैंने दिखाया कि वहाँ पे मरीजा के रहने की भी यड़े व्यवस्था वगैरह शायद है, आगे बेड वगैरह लगे हुए हैं, और बहुत दूर दूर तक जो है मरीज यड़ आ रहे हैं अपना इलाज करवा रहे हैं। तो हमने देखी होगी बहुत सारी वीडियोज़ कि कैंसर का इलाज कर रहे हैं बहुत सारे डॉक्टर। लेकिन जो सर का फ़ोन आया कि भाई हम आयुर्वेदिक तरीक़े है, एक देसी तरीक़े है एक कैंसर ने जड़ तक ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, तो भाई इसलिए हमने इनकी यह वीडियो बनाई है। इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। अगर तो हमने सर तक कुछ भी बात, क्वेश्चन कुछ भी करना है, तो सर का नंबर जो मैंने नीचे दे रखा है इस नंबर पर फ़ोन करके ना ज़रूर पूछ सको। और ऑनलाइन का भी यार बिल्कुल अच्छा सिस्टम है कि भाई ऑनलाइन भी ये दवाई भेजा है। तो भाई वीडियो देख ली तो हमने शेयर भी कर दियो, और इसके बारे में तरह के कुछ करना है तो मैंने कॉमेंट में बता दियो। मैं फिर मिलूँगी तो हमने किसी और वीडियो के लिए, तब तक के लिए मैंने दे दो इजाज़त। राम राम।